अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्टूडेंट्स, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्राहली सदरी व यस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं हूँ मिसनाजिया गज़ाली, गार्ड्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल 1 से। मौजूआती मुताला, हिस्सा सोम, इस्लामियात नहुम दहुम में जो आपका हिस्सा सोम है ये सफ़ा नंबर 95 से शुरू हो रहा है। और लेक्चर नंबर 8 में हम मौजूआती मुताले का जो पहला सबक है जिसका उन्वान है कुरान मजीद, तारुफ, हिफाजत और फ़ज़ाइल हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद, तारुफ, हिफाजत और फ़ज़ाइल। तारुफ देख लेते हैं कुरान का। कुरान मजीद में जो कुरान का लफ्ज़ है वो 60 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, जिससे क्या मालूम होता है कि कुरान मजीद जो है उसका असल नाम कुरान है और जो सही लफ्ज़ है वो भी कुरान है और इसका सही तलफ़ुज़ भी कुरान है। और ये खालिस्तन अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके चंद मायने ये हैं। कुरान का मतलब, बार बार पढ़ा जाने वाला और बकसरत तिलावत किया जाने वाला है। यानी हम देखते हैं कि सुबह से लेकर रात और फिर सिर्फ फजर, जहर, असर, मगरिब, इशां, तहज्जुद, इशराक है, चाश्त है और नवाफिल हैं, इन सब में कुरान की तिलावत की जाती है। इसके अलावा भी सुबह शाम और दिन रात की घड़ियों में जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह को याद करने वाले, इसकी तिलावत कसरत से करते हैं। और इसको दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, इसको सिखाया जाता है, इसके पढ़ने वाले और इसकी सीखने वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। और ये वाहिद किताब है जिसको हिफ्स किया जाता है, जिसके बाकायदा हफाज़े कराम मौजूद हैं, कुरान को सीनों में महफूज किया जाता है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। फिर इसी तरह कुरान का जो दूसरा मतलब है, देखते हैं क्या है, जमा करना। यानी कुरान जो है ये सूरतों को बाहम जमा करता है और मिलाता है। जब मुख्तलिफ आयतें मिलती हैं तो सूरत बनती है, इसी तरह सूरतें आपस में मिलती चली जाती हैं और कुरान की तरतीब कुरान तरतीब पाता है और इसकी तकमील होती है। सूरतुल फातिहा से इसका आगाज़ हो रहा है और सूरतुल नास पर इसकी तकमील हो रही है। तो हम देखते हैं कि कुरान में जो अल्लाह ताला ने इंसान को मुखातिब किया है उसमें मुख्तलिफ इंसान के जो अखलाक हैं, अकायद हैं, ईमानियात हैं, इबादात हैं, उन सब के बारे में अल्लाह ताला इंसान से इरशाद फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। और ये जो टॉपिक्स हैं बार बार रिपीट भी होते हैं और आयतें रिपीट होती हैं मुख्तलिफ एक सूरत से दूसरी सूरत में, और यानी एक कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तायद करती है। फिर इसी तरह हम कुरान के मायने देखते हैं। कुरान पिछली किताबों का जामे है, यानी जो पिछली तमाम आसमानी किताबें जो अल्लाह सुबहान तआला ने नाजिल फरमाई थी ये उनका जामे है, जमा करने वाला है, उसका खुलासा कुरान के अंदर मौजूद है। और कुरान को इसीलिए मुहैमिनु भी कहा जाता है, यानी जो किताब, जो अकायद, जो और कहना चाहिए तालीमात इन किताबों में महफूज ना रह सकें, किताबें महफूज हालत में नहीं हैं। और इन तमाम तालीमात को, रकायत को कुरान ने अपने अंदर महफूज कर लिया है, इसलिए इसको मुहैमिनु कहा जाता है। साबका आसमानी किताबें, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और ये एक क़ानून की किताब है। इस तरह इंजील देखते हैं, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ये एक अखलाक की किताब है, इसमें मैनर्स के बारे में बताया गया है। ज़बूर को देखते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और ये हम्दोसना और मनाजात का मजमूआ है। लेकिन कुरान मजीद में क़ानून भी है, अखलाक भी है और इसमें हम्दोसना भी हैं और मनाजात भी हैं। फिर इसी तरह देखते हैं, कुरान मजीद में अकायद, इबादत, मामलात, रूहानियत, अखलाक, कानून, तमद्दुन, माशरत, सियासत, गर्ज, ये हर किस्म की तालीमात का जामे है और इसका कोई मुकाबिल नहीं।
कुरान मजीद की इस्तिलाही तारीफ़, यानी इस्तिलाह में कुरान मजीद की क्या तारीफ़ होगी? तो जान लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या खुलफाए राशिदीन से लफ्ज़ कुरान की कोई इस्तिलाही तारीफ़ नहीं मिलती। लेकिन बाद के उलमाए कराम ने लफ्ज़ कुरान की मुख्तलिफ तारीफ़ात की, जिनमें से एक जाम तारीफ़ ये है। तारीफ़: अल्लाह ताला का वो आजिज़ कर देने वाला कलाम जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वास्ते से नाजिल किया गया, जो सहीफ़ों में लिखा हुआ है, जिसकी तिलावत को इबादत जाना गया है और जिसे तवातुर के साथ नकल किया गया है। कुरान मजीद के ख़्वास: पहला ख़्वास है कलामुल्लाह, यानी कुरान मजीद सिर्फ़ कलाम इलाही पर मुश्तमिल है। यह अल्लाह ताला का कलाम है और इसमें किसी दूसरे का कलाम शामिल नहीं है, चाहे वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हो या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या कोई और हो। यानी हम सब का ये अजमाली अकीदा है कि कुरान जो है वो क्या है, अल्लाह ताला का कलाम है जो मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और बिल्कुल महफूज शक्ल में मौजूद है। तो ये जो कलाम है, अल्लाह ताला का कलाम, कलाम इलाही कुरान मजीद अल्लाह ताला की सिफ़त है। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात क्या हैं, उनका आपस में रब्त है, ताल्लुक़ है, और सिफ़ात ज़ात का हिस्सा होती हैं। फिर इसी तरह दूसरा ख्वास देख लेते हैं हम कि अल मौजिज़ का क्या मतलब है, आजिज़ कर देने वाला, जिसने इंसानी अकल को दंग कर दिया। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला तमाम इंसानों को चैलेंज करते हैं, ख़ास तौर पर अरब जो ज़बान दानी के माहिर थे और इनके यहाँ इतने बड़े बड़े शायर हुआ करते थे, बहुत जहानत इनके यहाँ कूट कूट के भरी हुई थी। यानी अल्लाह ताला ने इनको फितरी तौर पर बहुत ज़हीन कौम दी है। अगर तुम इस चीज़ के बारे में शक में हो, अल्लाह ताला क्या चैलेंज कर रहे हैं सूरतुल बकरा में, अगर तुम इस चीज़ के बारे में शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की, तो इस जैसी एक सूरत ही बना लाओ, अल्लाह के सिवा अपने तमाम मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर इसी तरह अल्लाह ताला सूरतुल इसरा में भी चैलेंज करते हैं, कह दीजिए अगर इंसान और जिन सब जमा होकर इस कुरान की मानिंद एक किताब लाना चाहें तो ना ला सकेंगे, चाहे वो सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हों। फिर इसी तरह कुरान में एक और जगह अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है, कह दीजिए कि इस जैसी 10 घड़ी हुई सूरतें ले आओ और अल्लाह के सिवा जिसको बुलाना चाहो बुला लो अगर तुम सच्चे हो। एजाज़ कुरान के पहलू: नंबर एक, कुरान मजीद की बलागत ने सारे अरब को हैरान और शिरदर कर दिया कि ऐसी बलागत ना तो कलाम अरब में नसर में देखी गई और ना नज़म में। जगह जगह मौजूआत तो बदलते हैं मगर बलागत यकसां पाई जाती है। जैसे अरब में एक अदीब था, एक फसीह और बलीग अदीब था, जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने मुकफ़ा था। उसने जब कुरान का चैलेंज सुना तो उसके हमपल्ला अपनी अदबी काविश करने का सोचा और उमर का एक हिस्सा कुरान के मुकाबले में वफ किया। लेकिन एक दफ़ा रास्ते से गुजरते हुए एक बच्चे के मुंह से यह आयत सुनी: वकीला या अर्जुब लई मा अकी व या समा अकली, सूरतुल हुद। और कहा गया, ए ज़मीन अपना सारा पानी निगल जा और ए आसमान थम जा। तो पुकार उठा, यानी ये जो अदीब था, फसी और बलीग अदीब जो था, ये पुकार उठा कि मैं गवाही देता हूँ कि ये कलाम इलाही है और इसका मुकाबला नामुमकिन है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि मुस्तकबिल में जो पेश आमद वाक़यात के बारे में पेश गोईयाँ हैं या गुज़िश्ता अक़वाम के किस्से पारीना बन जाने के हादसात हों, इन तमाम हालात की तरफ कुरान मजीद वाज़े इशारे देता है। यानी जिसके बारे में किसी ने आपको कुछ नहीं बताया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कहना चाहिए, जो सूरह कहफ़ है उसमें असाबे कहफ के बारे में, फिर इसी तरह ज़ुल्क़रनैन के बारे में, रूह के बारे में और दीगर चीज़ों के बारे में जो अल्लाह ताला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं, तो ये सब क्या है, इनका पहले तो कहीं ज़िक्र नहीं था, कहीं भी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। और जैसे मुख्तलिफ़ कौमें गुजरी हैं, कौम नूह है, कौम हूद है, फिर कौम लूत है, इन सब के जो किस्से और वाक़ियात हैं आफ़ असलम को तो नहीं पता थे, तो अल्लाह ताला ने इस कुरान के ज़रिए से जो है वो हमें बताया।
फिर इसी तरह से आप तीसरी चीज़ देखते हैं कि अगरचे कुरान मजीद क्या है, साइंस की किताब नहीं है, मगर जदीद साइंस के जो ताज़ा बताज़ा कहना चाहिए कायनाती इंकशाफात की तरफ कुरान मजीद सदियों पहले इशारे कर चुका है। यानी अगर हम देखते हैं जो मालूमात हम तक पहुंचा चुका है कुरान, जिनके मुताल्लिक हज़रत इंसान को सदियों बाद तक कोई इल्म नहीं था, यानी कि इंसान की जो तख्लीकी मराहिल हैं, और आज अल्ट्रासाउंड के थ्रू इंसान को बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, इंसान के अंदर होने वाली जो तब्दीलियां हैं, तो अल्लाह सुबहाना ताला तो ये 1400 साल पहले कुरान के ज़रिए से हम पर मुनकशिफ कर चुके हैं। मसलन ज़मीन की गोलाई है, गर्दिशे के ज़मीन कैसी है, ज़मीन की हयात के बारे में इंसान को कुछ नहीं पता था जो कुरान ने इंसान को बताया है। तो आज हमें साइंस बताती है कि ज़मीन जो है वो गोल है और गर्दिश कर रही है, तो कुरान हमें 1400 साल पहले ऐसी तालीम दे चुका है। फिर इसी तरह बारिश की तशकील है कि बारिश किस तरह से बनती है, कि समंदरों में जो है वो हरारत पैदा होती है, उससे भाप बनती है, बादल बनते हैं, और फिर बादल जो हैं वो बारिश की सूरत में ज़मीन पर आती हैं या मुख्तलिफ़ जगहों पर बरसती हैं। फिर इसी तरह हम देखते हैं अल्लाह ताला की जो तख्लीकात हैं, जानदार अशिया के अंदर नर और मादा का वजूद साइंस हमें अब बता रही है, जबकि अल्लाह सुबहान तआला में 1400 साल पहले बता चुके हैं। फिर इसी तरह जो हवा के ज़रिए नर और मादा फूलों की तौलीदी मादा से इत्तेहाद है, इसी तरह चाँद सूरज और सैारों की मुकर्रर बुर्जों में गर्दिश है। फिर इस तरह जो हम देखते हैं सूरज की जो अस खुद रोशनी है, यानी सूरज की अपनी रोशनी है, और जबकि चाँद का उसकी रोशनी से मुनव्वर होना है। फिर इसी तरह तमाम जानदारों का जो माखज़ है वो क्या है, उसका असल क्या है, पानी है, यानी तमाम जानदार पानी से पैदा हुए हैं। फिर इसी तरह जो आपके मादा मक्खी का शहद जमा करना बनाना और इसकी जो तर्ज़ ज़िंदगी कुरान ने वाज़े कर दी है। फिर इसी तरह बच्चे का जो है वो अपनी माँ के जिस्म में तदरीजी इर्तका और तश्कील और तीन पर्दों में उसका रहना, ये इसके अलावा जो जदीद उलूम है, हयातियात यानी बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, फिज़िक्स है, तो कुरान मजीद की जो हकायक के सामने ये उलूम अभी तिफले मकतब ही की हैसियत रखते हैं। अल-मुनज़्ज़िल अला सैयदिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-मुनज़्ज़िल का मतलब है नाजिल करदा, यानी सिर्फ़ वो कलामुन नबी कुरान है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। यानी दीगर आसमानी किताबें वो भी कलाम इलाही हैं जैसे तौरात ज़बूर इंजील, लेकिन ये कुरान में शामिल नहीं समझी जाएंगी और ना ही ये हैं। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि चौथा जो उसका ख़ास है क्या है, बवास्ता है जिब्राईल अलैहिस्सलाम। यानी कुरान मजीद जो है वो डायरेक्ट आप सल्लम पर नाजिल नहीं हुआ, बराह रास्त नाजिल नहीं हुआ अल्लाह के रसूल सल्लम के दिल पर, बल्कि इसे अल्लाह के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलाम लाया करते थे। और सूरतुल बकरा की गवाही भी मौजूद है, कह दीजिए कि जो कोई जिब्राईल से अदावत रखता है तो बेशक उसने इसको यानी कुरान मजीद को आप सल्लम के दिल पर अल्लाह के हुक्म से नाजिल किया है। उनका मुकाम भी बताया जा रहा है। और कुरान को आप देख लें, ये कुरान से वाबस्ता हर चीज़ मौजूद होती चली जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्बिया के सरदार हैं। फिर इसी तरह जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हम देखते हैं कि वो क्या हैं, फ़रिश्तों के सरदार हैं। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लाने का काम किया करते थे अल्लाह के हुक्म से अम्बिया के पास, और दीगर फरिश्ते भी जिनके मशहूर चार मशहूर फरिश्ते हैं, इसराफ़ील अलैहिस्सलाम है, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम है। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम का क्या काम है कि वो अल्लाह के हुक्म से बारिश का और इसका इंतज़ाम करते हैं। और जो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम है ये अल्लाह के हुक्म से सूर फूकेंगे। फिर इसी तरह जब क़यामत कायम होगी ये सूर फूकेंगे। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के हुक्म से जो है वो जानदारों की रूह निकालते हैं। तो ख्वास नंबर 5, अलमकतूब फिल मसाहिफ। अलमकतूब का मतलब है लिखा हुआ, और अलमसाहिफ जमा है मुसहफ की, जिससे मुराद किताब है। इससे ज़ाहिर होता है कि कुरान सिर्फ ज़बानी अल्फाज का मजमूआ नहीं, बल्कि ये किताबी शक्ल में मौजूद है। इरशादे बारी ताला है, कसम है तूर की और लिखी हुई किताब की फैले हुए सफ़हात में।
फिर इसी तरह जो इसका छठा ख्वास है वो क्या है, अलमुतअब्बिद बितिलावती ही। अलमुतअब्बिद का मतलब है इबादत समझा गया, यानी वो किताब है जिसकी तिलावत को इबादत का दर्जा दिया गया है। और हम देखते हैं कि जिसकी तिलावत को इबादत का दर्जा दिया गया है, तो मतलब एक हर्फ की तिलावत पर हमें क्या मिलती हैं, 10 नेकियां मिलती हैं। और कुरान मजीद की जो तिलावत है मुस्तकिल इबादत का दर्जा रखती है। और अरबी ज़बान में तिलावत के मायने क्या हैं, टीले या मट्टी पर कदमों के निशानात पर अपना कदम रखते जाना। मफहूम क्या है कि इधर कुरान ने जो हुक्म दिया या मामला बताया, उधर क़ारी कुरान ने वहाँ पर अपने आप को हर एतबार से मुती और आजिज़ बना दिया। तो तिलावत कुरान पर सवाब की बशारत हदीस में भी मिलती है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान मजीद की एक हर्फ की तिलावत करेगा उसे 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। अलमनकूल बिततवातुर, अलमनकूल का मतलब है नकल किया गया, जबकि तवातुर से मुराद है जिसको हर मरहले पर इतने रावियों ने रिवायत किया हो जिनका झूठ पर जमा होना नामुमकिन हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक कुरान एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता आया है और किसी भी मरहले पर यह सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं कुरान के अस्मा, कुरान के चंद नाम, यानी जो ख़ुद कुरान के बहुत सारे जो ऐसे नाम हैं जो कराम ने भी हमें गिनवाए हैं और ख़ुद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। तकरीबन 55 यानी 55 नाम ऐसे हैं जो ख़ुद उसकी आयत करीमा में उनका ज़िक्र आता है। अब इन तमाम नामों में 3 नाम ऐसे मखसूस नाम हैं जिनका इतलाक़ इस्तेमाल में कुरान मजीद के सिवा किसी पर भी नहीं होता, और वो नाम कौन से हैं, वो 3 नाम हैं, मुसहफ, फुरक़ान और कुरान। इसके अलावा जो दीगर नाम हैं कुरान के चंद नाम हैं जो आपको ज़िक्र कर रही हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जिनमें जो पहला नाम बताती हूँ मैं आपको, अलकिताब, अज़िक्र, अतंज़ील, अहसनुल हदीस, हुदा व बुशरा, नूर, मौइज़ा और मजीद। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में जिन मजामीन का ज़िक्र किया गया है वो मजामीन दर्ज ज़ैल हैं। पहला जो मज़मून है वो है अहकाम, अहकाम या अहकामात। अब इन अहकामात में कौन कौन सी अहकामात आ जाते हैं, नमाज के अहकामात हैं, रोज़े के हैं, ज़कात है, तहारत है, हज है, खानगी उमूर हैं, निकाह है, फिर तलाक है, जौजैन, वालदैन और औलाद के हुकूक हैं, यतीमों, बेवाओं, ग़ुलामों और रिश्तेदारों से उसने सलूक, विरासत के अहकामात वग़ैरह हैं, तजारत है और कारोबार में नाप तौल है, इकरार नामे हैं, शहादत है, सदका वग़ैरह है, फिर इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के अहकामात हैं, अदल है, ताज़ीरात, चोरी, कत्ल, कसास वग़ैरह। इसके अलावा हलाल हराम, आदाब मुआशरत में फिर पर्दा है और जिहाद के अहकामात शामिल हैं। दूसरा जो मज़मून है मुखासमात का है, यानी इल्म मनाजरा, डिबेट, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, यहूद व नसारा से मुतालिक जो बहसें और दलाइल के साथ की गई हैं, ये बहस मुबाइसा जो दलाइल के साथ किया गया है उसे इल्म मुखासमात कहते हैं। यानी इन लोगों को कायल करने के लिए और उनके बातिल अकायद की तरदीद और शकूक व शुबहात को दूर करना इल्म मुखासमात या इल्म मनाजरा कहलाता है। फिर इसके अलावा जो तीसरा मज़मून है वो तस्कीर भी आलाइल्ला, यानी अल्लाह ताला की नेमतों को याद दिलाना या अल्लाह ताला की नेमतें याद दिलाना, नेमतों के साथ अल्लाह ताला का जिक्र करना, अल्लाह ताला का शुक्र करना, उसकी फरमाबरदारी करना, मसलन ज़मीन आसमान की पैदाइश है, बादलों से पानी का बरसना है, अनाज हैं, फल और गले वग़ैरह इसमें शामिल हैं। इल्म तस्कीर भी अय्यामिल्ला, अय्यामिल्ला से मुराद गुज़िश्ता कौमों के अहम वाक़ियात हैं, यानी तारीख की मदद से ज़िंदगी का सबक याद दिलाना। ये वो वाक़यात हैं जिनको अहले अरब आपकी बौसत से कबल सुनते चले आ रहे थे।
कुरान ने इन वाक़यात को बयान करके इबरत और नसीहत के पहलू को उजागर किया है। मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम वगैरह अंबिया के हालात। फिर इसमें आद और समूद, बनी इसराइल के उरूज ज़वाल के किस्से हैं। तूफ़ान नूह का वाक़िया है। अय्यूब और यूनुस अलैहिस्सलाम पर शफ़क़त इलाही का वाक़िया है। ज़करिया की दुआएं मुस्तजाब और ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात वगैरह शामिल हैं। इन तमाम किस्सों का मकसद महज अफसाना सराई ना था, बल्कि मकसूद क्या था कि सुनने वाले जहन इबरत और नसीहत हासिल करने वाले बन जाएँ और इन किरदारों की पैरवी करें। फिर इसी तरह जो पांचवा मज़मून है कुरान का, वो क्या है? इल्म तस्किर बिल मौत व मा बादल मौत, यानी इस ज़मीन के अंदर क्या कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, मौत और मौत के बाद पेश आने वाले वाक़यात बयान फरमाए हैं। इंसानी मौत की कैफियत, उसकी बेचारगी, आलम नज़ा, मौत के बाद जन्नत और दोज़ख को सामने करना, अजाब और सवाब के फरिश्तों का सामने आना वगैरह, उसकी खूबसूरत तस्वीर कशी की है जिससे दिल पर बड़ा गहरा असर होता है। इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो उसमें जन्नत और जो जहन्नुम का बयान भी शामिल है कि मौत के वक्त या आलम जो नज़ा का वक्त होता है उसमें फरिश्तों का जो सामने आना होता है, अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नुम दिखाते हैं। उसमें दीदार इलाही है, नेमतें बागात हैं और मोमिनों का जन्नत में दाखिला है, अल्लाह ताला की रज़ा है, आलिशान महलात, बेहतरीन नहरें हैं और बेहतरीन लिबास हैं, मशरूबात हैं। और फिर इसी तरह ऐसे तमाम उम्र जिन कामों से अल्लाह ताला ने हमें रोका है और उनके अंजाम के बारे में भी अल्लाह ताला ने तफसील से कुरान में बयान किया है। वही, अब वही देख लेते हैं। वही अल्लाह ताला के फरिश्ते का अल्लाह के पैगाम को लेकर अल्लाह के नबी तक हाजिर होना या अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होना क्या कहलाता है? वही कहलाता है। वही जो है वो अहा से निकला है। अगर हम इसको देखें तो उसके मायने क्या हैं? दीन इस्लाम में नहायत पोशीदा और तेज़ी से इतला देने को वही के नाम से मौसूम किया गया है। अब वही की हम सूरतें देख लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल हुई है उसकी दर्ज ज़ैल अकसाम हैं। पहली कस्म है वही मतलू, वो वही जिसकी तिलावत की जाए, इससे मुराद कुरान मजीद है, सही है। और क्योंकि इसकी तिलावत को इबादत का दर्जा दिया गया है, इसे वही जली भी कहते हैं। वही की दूसरी किस्म है वही गैर मतलू, यानी वो वही जिसकी तिलावत ना की जाए, इससे मुराद हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसे वही खफी भी कहते हैं, इसकी तिलावत नहीं की जाती। कातिबीन वही, कातिबीन कातिब की जमा है, कातिब कहते हैं लिखने वाले को। अब वही लिखने वाले जितने भी सहाबा कराम जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कुरान लिखा या हदीस लिखी, वो क्या कहलाए? कातिबीन वही कहलाए। वही की ज़बान, जिस कौम में भी कोई रसूल आया तो नज़ूल वही भी उस रसूल की कौमी ज़बान में हुई। यही वजह है वही कभी इब्रानी में आई, कभी सुरियानी ज़बान में, और कभी अरबी में, और कभी दूसरी कौमी ज़बानों में। तो इरशाद बारी ताला है, हमने जो रसूल भी भेजा उस कौम की ज़बान में ही भेजा ताकि वो उन्हें वही की बातें वाज़ेह कर दे। तो इस तरह कुरान मजीद क्या है? अरबी ज़बान में नाजिल हुआ, इसलिए कि आपके मुखातिब कौन थे? अरब थे। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो ज़बान से बाला और बरतर है। नुज़ूल वही का आगाज़, 40 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लैलतुल क़द्र की 21वीं शब को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान की चंद आयात लेकर तशरीफ़ लाए। इस तरह से वही का आगाज़ हुआ। मराहिल नुज़ूल कुरान, नुज़ूल कुरान 3 मराहिल में तकमील को पहुंचा। नुज़ूल अव्वल, कुरान का पहला नुज़ूल जिसमें कुरान मुकम्मल तौर पर लोहे महफूज में लिखा गया मुकम्मल एक साथ। तो कुरान की दलील है यहाँ पर इरशाद बारी ताला है, बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज। ये मरहला कितने अरसे में मुकम्मल हुआ और इसकी तारीख क्या? इस सिलसिले में कुरान और हदीस दोनों खामोश हैं। अलबत्ता लोहे महफूज में कुरान के महफूज होने के बारे में जो आयत मैंने अभी आपके सामने तिलावत की, ये दलील है। नुज़ूल सानी, इस मरहले में
पूरे कुरान को लोहे महफूज से आसमान दुनिया में मौजूद बैतुल इज़्ज़त में मुंतकिल किया गया, जिसे बैतुल मामूर भी कहा जाता है, जो काबातुल्ला के महाजात में आसमान पर फरिश्तों की इबादत गाह है। अब यहाँ हम देखते हैं बैतुल इज़्ज़त और बैतुल मामूर भी जिसे कहा जाता है, काबातुल्ला के महाजात यानी आसमानों पर फरिश्तों की इबादत गाह है। तो इसके लिए हम ये देख लेते हैं कि कुरान क्या कहता है। सूरतुल वाक़िया में देखते हैं, पस नहीं मैं कसम खाता हूँ सितारों के मौक़े की, अगर तुम समझो तो ये कसम है बहुत बड़ी, बेशक ये कुरान है बुलंद पाया एक महफूज किताब में सब, जिसे मुतहरीन के सिवा कोई नहीं छू सकता। इन आयात में ये बात बिल्कुल वाज़ह है कि कुरान एक ऐसी जगह लिखा हुआ मौजूद है जो मकनून यानी छुपी हुई है, और जहाँ उसको मुतहरीन यानी फरिश्तों के सिवा कोई नहीं छू सकता। लेकिन ये जगह लोहे महफूज नहीं हो सकती, क्योंकि लोहे महफूज तक किसी भी मखलूक की रसाई नहीं, यहाँ तक के फरिश्तों की भी नहीं। चुनाचे ये लोहे महफूज के अलावा और किसी मकाम का जिक्र है, और तारों के मौक़े का जिक्र इस बात की दलील है कि यहाँ आसमान दुनिया मुराद है। नुज़ूल सालिस में हम देख लेते हैं, इसे तंजील भी कहते हैं, जिसके मायने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करना। इस तीसरे मरहले में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान दुनिया से कुरान मजीद को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर नाजिल किया, जिसका दौरानिया तकरीबन 23 साल है। जिसका दौरानिया कितना है? तकरीबन 23 साल है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली वही नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस थी, और इसका आगाज़ सही रिवायात के मुताबिक रमज़ान में हुआ, और जिस रात नज़ूल का आगाज़ हुआ वो शब क़द्र थी। लेकिन आप यहाँ देखते हैं कि अल्लाह ताला जो है सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाते हैं, और कुरान को हमने टुकड़े टुकड़े कर दिया ताकि आप ठहर ठहर कर उसे लोगों के सामने पढ़ें, और हमने इसे ठहर ठहर कर नाजिल फरमाया। अब कुरान के मरलावार नज़ूल की वजूहात क्या नज़र आती हैं हमें? नंबर एक, पहली वजह क्या हो सकती है कि इसकी अजमत का तकाजा है कि इसे एक बारगी नाजिल करने के बजाय मुख्तलिफ मराहिल में नाजिल किया जाए। दूसरी वजह क्या नज़र आती है? इस तरह मरलावार उतारने से जताना भी मकसूद है, ये किताब हर शक और शुबे से बालातर है। तीसरी क्या है? कुरान को आसमान दुनिया पर नाजिल करके मलाइका और दीगर मखलूक को भी इस बात का गवाह बनाया गया कि कुरान वो आखिरी किताब है जो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली है। तो चौथी वजह क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इज़्ज़ इलाही से कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर नाजिल करना था, उनकी रसाई लोहे महफूज तक ना होने की वजह से कुरान को आसमान दुनिया पर नाजिल किया गया। और नुज़ूल सालिस की मुद्दत भी आपको जैसे मैंने अभी बताया कि तकरीबन 23 साल है। कुरान के बारे में हम मुख्तसर सी मालूमात देख लेते हैं। जो कुरान का उसलूब है, जो अंदाज़ है, वो क्या है? खुतबे का है, यानी आम किताब की तरह नहीं है, और आम किताब की तरह इसके मज़ामीन नहीं हैं, बल्कि मुख्तलिफ मज़ामीन, मुख्तलिफ चीज़ें एक साथ साथ चल रही होती हैं और रिपीटेडली आ रही होती हैं वक्फे वक्फे से, और अल्लाह ताला के खुतबात का ये समझ लें मजमूआ खुतबात इलाहिया है। कुरान का मुखातिब इंसान है, और इसी तरह कुरान का मौजू भी इंसान है। मकसद नज़ूल इसका क्या है? बशारत देना है, डराना है, इंसानों की रहनुमाई और उनकी सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत है। फिर इसी तरह अगर इसकी तरतीब को देखते हैं कि कुरान मजीद की जो तरतीब है वो तौकीफ़ी है, यानी किसी ग्रामर के असूल पर नहीं है। इसकी तरतीब जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर मौकूफ़ है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ मौकूफ़ फरमाया। अब यहाँ देख लेते हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरतीब फरमाई, यानी कि आप सल्लम ने जहाँ कहा इस आयत को इस सूरत में रखो और इस सूरत के अंदर इतनी आयतें, इस आयत को इस आयत के बाद तरतीब दिया जाए, तो ये तौकीफ़ी तरतीब कहलाती है, यानी कि आप सल्लम ने अल्लाह के हुक्म से जो कहा जैसा कहा वैसा करना। तो इसमें बेशुमार हिकमतें भी पोशीदा हैं। सूरतों की तादाद देख लेते हैं, जो 114 हैं। सूरत के मायने क्या हैं? फसील के हैं, यानी एक सूरत दूसरी सूरत से अलग हो जाती है। फिर इसी तरह मक्की सूरतें देखते हैं, हमारे पास 86 हैं, 86। ये भी इनकी तरतीब भी क्या है? तौकीफ़ी है,
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ मौक़ुफ़ फरमाया। फिर मदनी सूरतें हैं ये 28 हैं, 28 इनकी तरतीब भी क्या है, तौकीफ़ी है। कुल रुकू हम देख लेते हैं 558 है, ये तरतीब तौकीफ़ी नहीं है बल्कि ये तकसीम हज्जाज बिन यूसुफ़ ने करवाई थी, नीज़ एराब भी उसी ने लगवाए थे। फिर इसी तरह कुल आयात देखते हैं 6666। तो आयत के मायने देख लेते हैं, निशानी के हैं, आयत के क्या मायने, निशानी के हैं। फिर कुल मंजिलें जो कुरान के अंदर हैं वो 7 हैं और इनकी तरतीब भी क्या है, तौकीफ़ी है। कुल सजदे कितने हैं, 14 हैं और इनकी तरतीब भी तौकीफ़ी है। कुल पारे 30 हैं और ये तरतीब जो है, तकसीम जो है, आप सल्लम के ज़माने में नहीं हुई थी बल्कि आप सल्लम के बाद के ज़माने की ये तरतीब है। कुरान की पहली वही सूरतुल अलक की इब्तदाई 5 आयात, कुरान की आखिरी वही सूरतुल माईदा की आयत नंबर 3। इसमें इख्तलाफ पाया जाता है थोड़ा सा कि ज़्यादातर उलमा जो हैं वो सूरतुल माईदा की आयत नंबर 3 और कुछ उलमा की राय ये है कि सूरतुल नसर जो है वो आखिरी है। फिर इसी तरह सबसे तवील तरीन सूरत या बड़ी सूरत देख लेते हैं, सूरतुल बकरा है कुरान की, और सबसे छोटी सूरत जो है वो सूरतुल कौसर है। और एक खूबसूरत सी जो एक इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर कुरान को उसकी तरतीब नज़ूली से पढ़ा जाए, यानी कुरान जिस तरतीब से नाजिल हुआ है उस तरतीब से अगर उसको पढ़ा जाए तो ये सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाती है। सही है? तो अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखी हुई होती है सूरत की, एक तरतीब उसके दाएं हाथ पे लिखी हुई होती है, एक तरतीब बाएं हाथ पे लिखी हुई होती है। सही है? तो जो बाएं हाथ पे जो तरतीब लिखी हुई है वो उसकी नज़ूली तरतीब है कि नज़ूल के एतबार से वो सूरत किस नंबर पे नाजिल हुई थी। उस तरतीब से जब हम कुरान का मुताला करते हैं तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बन जाती है। फिर इसी तरह देखते हैं तरतीब के लिहाज से कुरान की जो पहली सूरत है जो मुसहफ़ है, मुसहफ़ उस्मानी, उसकी जो तरतीब के लिहाज से सूरतुल फातिहा उसकी पहली सूरत है। और फिर इसी तरह तरतीब के लिहाज से कुरान की जो आखिरी सूरत है वो सूरतुल नास है। कुरान का तारुफ कुरान से देख लेते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, कुरान मजीद रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा कलाम है जो हक़ है, सूरतुल आले इमरान आयत नंबर 60। इसी तरह अल्लाह ताला एक दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, कुरान मजीद कलाम इलाही है और इसके कलाम इलाही होने में कोई शक नहीं, ये अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है, सूरतुल बकरा आयत नंबर 2। फिर इसी तरह एक जगह और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और तुम्हारी तरफ हमने ये किताब नाजिल की है, ये हक लेकर आई है, इससे पहले जो आसमानी किताबें आईं उनकी तस्दीक करने वाली है और उनकी मुहाफिज और निगहबान है, सूरतुल माईदा आयत नंबर 48। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का जो तारुफ है वो मुकम्मल हुआ। अब हम इसके तकमील पर हम इसका थोड़ा सा होमवर्क देख लेते हैं कि जो आज का लेक्चर था इसको आप गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा ताकि आप इन सवालों के जवाब अच्छे तरीके से रजिस्टर में लिख सकें। सवाल नंबर 1 है कुरान के मायने और तारीफ़ लिखिए। सवाल नंबर 2 है कुरान के कोई 4 नाम लिखिए कुरान के अलावा। फिर इसी तरह सवाल नंबर 3 है वही किसे कहते हैं, इसकी अकसाम लिखिए। सवाल नंबर 4 है 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम लिखिए और उनके अंबिया के नामों के साथ जिन पर ये नाजिल हुई। फिर इसी तरह सवाल नंबर 5 है 4 मशहूर फरिश्तों के नाम लिखिए उनके कामों के साथ। अच्छा, अब ये काम जो आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिए हैं आपने खुद से इन्हीं स्लाइड्स को देखते हुए इसमें से आंसर सर्च करके आपने लिखने हैं रजिस्टर के अंदर, जबकि जो आपको इसके डिटेल क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर दिए जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका 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 व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।